मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरा शुरू से ही ये स्टांस रहा है कि मिसेस तहसीन के खिलाफ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन ने ये तहकीक करने की भी कोशिश नहीं की कि मक्तूल का और किस किस से ताल्लुक था और वो कौन हो सकता है जो अपने मुफादात के लिए सफीर को कत्ल कर सकता है। सर, मुझे मिसेस तहसीन के मोहल्ले से पता चला कि मक्तूल सफीर के एक शादीशुदा औरत मुमताज के साथ ताल्लुकात थे और वो इसी मोहल्ले की रिहायशी मिसेस हैदर के घर मुलाजमा थी। जब मैं मिसेस हैदर के घर गई तो मुझे वहाँ मुमताज का शोहर इब्राहिम भी नजर आया और उसके अलावा मिसेस हैदर के घर काम करने वाला एक और मुलाजिम सिद्दीक भी इस कहानी में एक अहम किरदार के तौर पर नजर आया। योर ऑनर, मेरे कहने पर पुलिस ने इन तीनों सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया है और इस वक्त मैं अदालत में सबसे पहले मुमताज से जरा करना चाहूंगी। इजाजत है। योर ऑनर, ये है मुमताज जो मिसेस हैदर के घर काम करती हैं और इनका शोहर इब्राहिम एक नशेई है जो इनकी कमाई नशे में उड़ा देता है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जी वो, मगर बाजी जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। हम गरीबों से आपकी क्या दुश्मनी है? आपसे बीबी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी के कत्ल में आप मुलव्वस हैं, इसलिए इंसाफ के कटेरे तक बुलाना बहुत जरूरी था आपको। मुझे जरा ये बताएं कि आपका सफीर से कोई ताल्लुक था। ना जी ना बाजी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन मैं एक शरीफ औरत हूँ। शरीफ औरत? उस दिन जब मैं मिसेस हैदर के घर तुम्हें मिलने गई थी तो तुम अपने खामन इब्राहिम से मिलना भी नहीं चाह रही थी और इसीलिए दरवाजा बंद करके कमरे में अंदर बैठी थी और तुम्हारे सामने तुम्हारा मियाँ तुम्हें ताने दे रहा था कि तुमने यार पाल रखे। और बाजी, वो तो नशा ही है, नशे में कुछ भी बकवास करता रहता है। वो मेरी कमाई से पल रहा है बाजी, आप क्या बातें कर रही हैं? तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा सफीर से कोई ताल्लुक नहीं था? बाजी, खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरा सफीर से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, अभी पता कर लेते हैं। योर ऑनर, मैं मिसेस हैदर को अदालत में बुलवाना चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस हैदर, आपके घर मुमताज कब से काम कर रही है? तकरीबन 3 महीने। इसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगी? इस लड़की का किरदार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। क्या खराबी लगी आपको इसके कैरेक्टर में? इसका शौहर ज़्यादातर गांव में रहता है और कभी कभार ही इससे मिलने आता था और कराची में इसका कोई अजीज़ और रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन ये अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे 3-4 घंटे की छुट्टी लेकर गायब हो जाती थी और एक दो बार तो ये पूरी पूरी रात घर से गायब रही। तो आपने पूछा नहीं ये पूरी पूरी रात कहाँ रहती है? पूछा था मैंने, लेकिन इसने कुछ ऐसे उल्टे सीधे जवाब दिए कि ये बातें तो मुझे हजम ही नहीं हुई। बाजी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम अमीर लोग जब चाहो गरीबों पे इल्जाम लगा दो। जस्ट शट अप, ओके? आपके ख्याल में इसका सफीर से ताल्लुक था? जी हाँ, ताल्लुक तो था और ये इसने मुझे कई बार खुद बताया था। दरअसल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप अदालत को जरा टू द पॉइंट और मुख्तसर बताइएगा। हुआ ये था कि एक दिन दोपहर में मैं सो रही थी कि अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी और ज़लील इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे जरा शर्म आया नहीं है? मैं तेरी शिकायत बेगम साहिबा से कर दूंगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हो गया मुमताज, ये शोर क्यों कर रही हो? हां देखिए बेगम साहिबा, सिद्दीक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं शादीशुदा हूं, इज्जतदार हूं। नहीं बेगम साहिबा, सफेद झूठ बोल रही है ये। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुम दोनों चुप हो जाओ। मुमताज, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या है। बेगम साहिबा, मैं यहाँ सफाई कर रही थी कि ये आया कमीना, इसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मेरा घसीट रहा था। चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ बेगम साहिबा, इसको निकाल दे यहाँ से। शाम को साहब आएंगे तो मैं बात करूंगी, ठीक है? अभी चुप कर जाओ, ठीक है? मैं सामना जितने बेबाक अंदाज में मुमताज ने सिद्दीक की मुबैना दस दराजी की तफसील बयान की है, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। आपके ख्याल में सिद्दीक ऐसी हरकत नहीं कर सकता था? मैं सामना, सिद्दीक मेरा पुराना मुलाजिम है
और किसी की नज़रें झूठ नहीं बोलती। मुझे यकीन है कि मुमताज ने सिद्दीक पर बहतान तराशी की थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये एक सीधा साधा मर्डर का केस है, तो उसके बीच में ये तोता मैना की कहानी कहाँ से आ गई? इन मामलात का इस केस से क्या ताल्लुक है? वकील साहब, आप थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करेंगे? अभी जो बातें आपको इररिलेवेंट लग रही हैं, बहुत जल्दी उनकी रिलेवेंसी भी नजर आ जाएगी। आप मुझे जरा मुकम्मल तो करने दें। जी, आप क्या बता रही थी? सिद्दीक मेरा बहुत पुराना खानसामा है और उसके पकाए हुए खाने बहुत पसंद करते हैं सर। लेकिन कभी कभार उसके खाने में कभी नमक तेज़ हो जाता, कभी मिर्च तेज़ हो जाती, और एक दिन तो इसने ऐसा किया कि उसके पकाए हुए गोश्त में छुपकली भी भुनवा दी। और मुमताज़ जब मेरे पास बैठती थी तो उसके खिलाफ मेरे कान भरती थी, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि तौबा है, न जाने सिद्दीक को क्या हो गया है, बिल्कुल खाना पकाना भूल गया है। ऐसा लगता है कि चावलों में इसने पूरी नमक की थैली उंडेल दी है। तो फारिग करें ना बेगम साहिबा सिद्दीक को। खाना कौन पकाएगा? तो क्या दुनिया में एक ही खान सा में रह गया बेगम साहिबा? बराबर में मिसेस तहसीन का घर है, उनके घर जो खानसामा है, सफी नाम है उसका, इतना अच्छा खाना बनाता है कि अगर आप खाए ना तो उंगलियां चाटती रह जाएं। भाई सिद्दीक मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, और उसको ऐसे निकालना भी तो ठीक नहीं है ना। बेगम साहबा, ये कमीनी खुद खाना खराब करती है, यही खाने में नमक मिर्च तेज करती है, और इल्जाम मुझ पर आ जाता है। ये दरअसल मेरी जगह उस खानसामा सफीर को इस घर में लाना चाहती है, ताकि ये दोनों प्रेमी साथ साथ रह सकें। बकवास कर रहे हैं बेगम साहिबा, मैं शादीशुदा हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? ज्यादा मेरा मुँह ना खुलवा, और तेरे उस आशना सफीर को तो मैं देख लूंगा। बेगम साहिबा, इसकी जबान को लगाम दे। तू अपनी जबान को लगाम दे, बेशरम। अच्छा अच्छा, बस अब तुम दोनों खामोश हो जाओ। अगर एक लफ्ज भी तुम दोनों ने अब निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें सामना कहने का मकसद ये है कि मुमताज का सफीर से नाजायज ताल्लुक तो था, और ये बात मैंने इनके शौहर इब्राहिम से कंफर्म भी की थी, और इब्राहिम ने बहुत गुस्सा भी किया था। ठीक है, कम टू द पॉइंट, आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में सफीर के कत्ल में मुमताज, इब्राहिम और सदीक मुलव्वस हैं कि नहीं? ये बात मैं वसूख से तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, मैं अब सदीक को कटेरे में बुलवाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। सदीक, तुम बुनियादी तौर पर तो एक शरीफ आदमी हो, लेकिन शरीफ आदमी की जब इज्जत पर बात आ जाती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। तुम्हें इस बात का तो गुस्सा था ही कि मुमताज ने तुम पर इल्जाम लगाया, और फिर तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ गया जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुमताज तुम्हें नौकरी से निकलवा कर सफीर को तुम्हारी जगह पर मुलाजमत देना चाह रही है। अब तुम ये भी कबूल कर लो कि सफीर को तुमने ही कत्ल किया। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। जाए वारदात से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं, और ये मेरे पास ये रही पुलिस रिपोर्ट। जज साहब, मैं गुस्से में आ गया था। मैं सुबह मिसेस तहसीन के घर पे जब पहुंचा हूं, तो उनके किचन की खिड़की पिछली गली में खुलती है। मैंने वहां से देखा कि सफीर जो है वो चाय बना रहा था। बे सदीक, तू बे क्या डकैती मारने आया है? चुप कर बेगैरत के बच्चे। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 34 और 35 के मुताबिक कोई अमल जो मुख्तलिफ लोगों ने अंजाम दिया हो और उन सब की नीयत एक ही नौयत के जुर्म करने की हो, तो इस अमल में शरीक हर फर्द नीयत मुजरिमाना का मुर्तकिब करार पाएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की ये दफ़ात किसी जुर्म का तय्युन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।